हमारा ब्रह्मांड असीमित रहस्यों से भरा हुआ है। इसमें अनंत कोटि के ग्रह नक्षत्र और आकाशगंगाएं मौजूद हैं। प्राचीन काल से लेकर अब तक मानव जाति सदैव इसे जानने को उत्सुक रही है और इसमें हमने आशातीत सफलताएं भी प्राप्त की है। परंतु तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो ग्रह नक्षत्रों का जो प्राचीन ज्ञान हमें वेद पुराणों या शास्त्रों से मिलता है, ऐसा अद्भुत ज्ञान हमें आज का विज्ञान भी दे पाने में असमर्थ ही नजर आता है। ऐसी एक गजब की पौराणिक कथा हमें स्कंद पुराण के अवंती खंड में देखने को मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि आखिर सूर्य और चंद्रमा को ग्रस लेने वाला, या यूं कहें कि शनि से भी भयानक माने जाने वाला राहु ग्रह कौन है और अन्य ग्रहों से इसकी क्या शत्रुता है। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि आखिर कैसे जन्मा था ये ग्रह और क्यों ये अन्य ग्रहों से अभी तक अपनी शत्रुता निभाते आ रहा है। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। प्राचीन काल में सिंहिका और विप्रचिति नामक असुर दंपति के घर एक तेजस्वी बालक का जन्म होता है। ये बालक जन्म से ही प्रचंड बल और तीक्ष्ण बुद्धि का स्वामी होता है और यही बालक आगे चलकर राहु के नाम से भी प्रसिद्ध होता है। मान्यताओं के अनुसार जिस वक्त इस बालक का जन्म हुआ था उसी वक्त असुरों ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया था, जिससे कि सभी देवतागण अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। दरअसल देवताओं की ऐसी दुर्दशा के पीछे देवराज इंद्र की भूल थी, क्योंकि वे अपने अहंकार के चलते महर्षि दुर्वासा के श्राप को भोग रहे थे, जिसके कारण अब वे श्रीहीन हो चुके थे और उनके हाथों से स्वर्ग का राजपाट भी जा चुका था। परंतु जब वे सभी देवताओं सहित भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, तब भगवान उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र को मथने का उपाय बताते हैं, क्योंकि समुद्र मंथन से ही अमृत प्राप्ति संभव थी और अमृत पान कर अमर हुए बिना वे असुरों को परास्त नहीं कर सकते थे। और इसी अमृत को पाने के चक्कर में असुर भी समुद्र मंथन के इस महाअभियान में सम्मिलित हो जाते हैं। वे वासुकी नाग की रस्सी और मंदरांचल पर्वत की मथनी बनाकर शिव सागर को मथने लगते हैं। अंततः उन्हें अमृत की प्राप्ति होती है, किंतु अमृत पान को लेकर असुरों और देवताओं के बीच विवाद शुरू हो जाता है। परंतु भगवान विष्णु अपनी चतुराई से एक तरीका निकाल लेते हैं। वे एक अति सुंदर कन्या मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को अपने मोहजाल में फंसाकर देवताओं से अलग बिठा देते हैं। इसके बाद वे खुद एक एक करके सभी को अमृत पान कराने लगती है, किंतु मोहिनी असुरों को जो अमृत पिलाती है, दरअसल वो अमृत होता ही नहीं है। लेकिन असुरों को लगता है कि अब वे अमृतत्व प्राप्त कर चुके हैं। परंतु राहु मोहिनी के छलावे में नहीं आता है और वो रूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ जाता है। फिर एक एक करके मोहिनी देवताओं को अमृत पान कराने लगती है, और जैसे ही राहु अमृत पान करता है, सूर्य और चंद्रमा उसे पहचान लेते हैं। तत्पश्चात देवी मोहिनी अपने चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर देती है, परंतु अमृत पान कर लेने की वजह से उसकी मृत्यु नहीं होती है। मान्यताओं के अनुसार तभी से उसके सिर वाला भाग राहु और धड़ वाला भाग केतु के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। विश्वास किया जाता है कि बस तभी से राहु सूर्य और चंद्र ग्रहों से अपनी शत्रुता निभाते हुए आ रहा है और अवसर मिलने पर उन्हें ग्रास भी लेता है। वैसे इसी घटना को खगोलीय विज्ञान सूर्य और चंद्र ग्रहण कहता है। तो दोस्तों अब आप भली भांति समझ सकते हैं कि जो सूर्य और चंद्रमा को भी अपना ग्रास बना सकता है वो मनुष्यों पर कितना भयानक प्रभाव डालता होगा। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में इसकी दृष्टि बहुत ही प्रभावशाली बताई गई है। माना जाता है ये दोनों एक ही राशि में लगभग 18 महीने तक रहते हैं और अपना राशि चक्र 18 साल में पूरा करते हैं। एक और राहु पाप, भय, शत्रुता, दुर्भाग्य, कलंक और छल कपट आदि दोषों का कारक माना जाता है। वहीं दूसरी ओर केतु समस्त प्रकार के मनोरोग, भूत बाधा, हृदय रोग, आकस्मिक दुर्घटना आदि रोगों का कारण बनता है। परंतु मित्रों शास्त्र हमें बताते हैं कि जो मनुष्य पुण्य कर्म करता है और सदैव धर्म के मार्ग पर चलता है उसे किसी भी प्रकार के दुष्ट ग्रह से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जिसकी रक्षा स्वयं नारायण करते हैं उसे कभी कोई भी शत्रु परास्त नहीं कर सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी आज की कथा यहीं समाप्त हुई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। इसी तरह के और भी रोचक तथा पौराणिक तथ्यों से जुड़े वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।